गुड मॉर्निंग क्लास क्लास नाइन्थ पार्ट फोर्थ वॉज ओवर नाउ पार्ट फाइव बिगिन्स. इन द कंट्री साइड पीजेंट्स कल्टिवेटेड मोस्ट ऑफ द लैंड बट द नोबिलिटी द क्राउन एंड द ऑर्थोडॉक्स चर्च ओन्स लार्ज प्रॉपर्टीज. देखो कंट्री साइड मतलब विलेजेस में जो लैंड कल्टिवेट कौन करता था, पीजेंट्स लैंड कल्टिवेट करते थे, पर जो नोबिलिटी है मतलब रिच क्लास जो है ना, द क्राउन एंड द ऑर्थोडॉक्स चर्च ओन्ड लार्ज प्रॉपर्टीज, जो रिच लोग हैं उनके पास प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा थी, जो पीजेंट्स थे वो लैंड कल्टिवेट करते थे. लाइक वर्कर्स पीजेंट्स टू वर डिवाइडेड, जैसे वर्कर्स डिवाइड थे ना इधर पे, वैसे पीजेंट्स भी डिवाइडेड थे. ठीक है, उनके टाइप ऑफ वर्क, जैसा वो वर्क करते हो, समझो किसी के अंडर में वर्क करते हो वो पीजेंट्स अलग थे, जिनकी खुद खेती बाड़ी थी वो लोग अलग थे. ठीक है, अलग अलग टाइप की फार्मिंग, कोई किसी के पास मक्के का खेत था, किसी के पास गेहूं का खेत था, कोई सिर्फ हार्वेस्टिंग करने के लिए बुलाया जाता था किसी को अगर वो किसी के अंडर में काम करता था, कोई किसी को सिर्फ शो करने के लिए बुलाया जाता था. तो अलग अलग टाइप के उनके काम थे, कुछ कोई लोग उसमें बिजी थे एनिमल हस्बेंड्री में, कोई फिजिकल्चर में, तो ये सब एग्रीकल्चर का पार्ट फॉर्म करते हैं. तो वर्कर्स भी डिवाइडेड थे. नेक्स्ट पेज, दे वर ऑल्सो डीपली रिलीजियस बट एक्सेप्ट इन अ फ्यू केसेस दे हैड नो रिस्पेक्ट फॉर द नोबिलिटी. देखो वो लोग डीपली रिलीजियस इट मीन्स स्पिरिचुअल टाइप के थे. हाँ, श्रद्धा वगैरह पर, भगवान की श्रद्धा करने वाले, उस पर विश्वास रखने वाले. बट एक्सेप्ट इन अ फ्यू केसेस दे हैड नो रिस्पेक्ट फॉर द नोबिलिटी, पर कुछ केसेस में छोड़ के ये लोग क्या, किंग की रिस्पेक्ट नहीं करते थे, नोबल्स रिच क्लास की रिस्पेक्ट नहीं करते थे. क्यों? क्योंकि उसके पीछे एक कारण था. कारण ये है कि जो नोबल्स जो हैं वो किंग से रिलेटेड है. ठीक है, किंग से रिलेटेड है, और जो किंग जो है वो एरिस्टोक्रेट टाइप का था, अत्याचार करता था इन पर, इसलिए ये लोग जो थे वो लोग जो नोबल्स रिच क्लास है और किंग से चिढ़ते थे, उनकी इज्जत नहीं करते थे. नोबल्स गॉट देयर पावर एंड पोजिशन थ्रू देयर सर्विसेज टू दिस सार. जो रिच क्लास था ना वो पावर में क्यों था, या ज़्यादा पॉपुलर क्यों था, ज़्यादा पावरफुल क्यों था, क्योंकि वो सार से कनेक्टेड था. एनी मतलब जो भी देखा होगा आपने रियल लाइफ में भी, जो पॉलिटिक्स वालों से, पॉलिटिकल लोगों से ज़्यादा जुड़ा रहता है ना, वो थोड़ा अपने आप को ज़्यादा पावरफुल दिखाने की कोशिश करता है, सुपीरियर बताने की कोशिश करता है. तो नोबल्स को जो पावर और पोजिशन मिली थी वो सार को सर्विस देके, मतलब वो लोग सार के अंडर में वर्क करते थे या सार की बातें मानते थे, जिस वजह से वो इतने पॉपुलर थे. नॉट थ्रू लोकल पॉपुलैरिटी, ये जो पॉपुलैरिटी उनको अचीव हुई थी अपनी मेहनत वगैरह से नहीं हुई थी, अपने दम पे उन्होंने नाम नहीं किया था, बजाय जो किंग था उसकी चापलूसी करके, मतलब उसके अंडर में काम करके या उसकी बातें मानकर. दिस वॉज अनलाइक फ्रांस वेयर ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवोल्यूशन इन ब्रिटनी पीजेंट्स रिस्पेक्टेड नोबल एंड फॉट फॉर देम. फ्रांस में ऐसा नहीं होता था, फ्रांस में जो पीजेंट्स हैं वो रिस्पेक्ट करते थे किसकी, किंग की. इन रशिया पीजेंट्स वॉन्टेड द लैंड ऑफ नोबल्स वॉज टू बी गिवन टू देम. रशिया में पीजेंट्स क्या सोचते थे, जो नोबल्स का लैंड है वो उनमें इक्वली डिवाइड हो जाए. फ्रिक्वेंटली दे रिफ्यूज टू पे रेंट एंड इवन मर्डर्ड लैंडलॉर्ड्स. फ्रिक्वेंटली दे रिफ्यूज टू पे रेंट, उन्होंने जो पीजेंट्स थे उन्होंने रेंट देने से मना कर दिया. क्यों? क्योंकि क्या होता था, जो पीजेंट्स के साथ एरिस्टोक्रेसी होती थी, अत्याचार होता था, उनसे काफ़ी हाई रेंट लिया जाता था, तो उन्होंने रेंट देने से मना कर दिया. और बहुत सारे जो ज़मींदार इट मीन्स लैंडलॉर्ड्स, मालिक थे नोबल्स, उनका मर्डर कर दिया. इन 1902 दिस ऑकर्ड ऑन अ लार्ज स्केल इन साउथ रशिया एंड इन 1905 सच इंसिडेंट टुक प्लेस ऑल ओवर रशिया. रशियन पीजेंट्स वर डिफरेंट फ्रॉम अदर यूरोपियन पीजेंट्स इन अदर वे. अब रशियन पीजेंट्स कैसे डिफरेंट थे दूसरे पीजेंट्स से, वो लोग क्या करते थे, दे पूल्ड देयर लैंड टुगेदर पीरियोडिकली एंड देयर कम्यून डिवाइडेड इट अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ इंडिविजुअल फैमिलीज. वो लोग अपने जो लैंड रिसोर्सेस है ना उसको साथ में मिला लेते थे, फिर क्या होता था, उस पर जो भी फसल होती थी वो मिल बांट कर ले लेते थे. ठीक है, ऐसी इनकी प्रैक्टिस थी, ये लोग ऐसा काम करते थे कि जो पूरा लैंड है सबका अलग अलग, इन सबको पूरे एक लैंड को मिला के एक बड़ा टुकड़ा बना दिया, फिर उस पर सब लोग खेती करते थे, उसकी जो भी फसल हुई प्रॉफिट वो इक्वल डिवाइड कर लेते थे. सोशलिज्म इन रशिया ऑल पोलिटिकल पार्टीज वर इलीगल इन रशिया बिफोर 1914. द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी वॉज फाउंडेड 1898 बाई सोशलिस्ट हु रिस्पेक्टेड मार्क्स आइडियाज. देखो राजा जो था तो वो रूल कर रहा था, तो राजा नहीं चाह रहा था कोई भी पार्टी बने, तो बिफोर 1914 सारी पार्टीज इलीगल थी रशिया में, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं बन सकती थी. क्यों? क्योंकि राजा ने मना किया था. कारण क्या था, राजा वहाँ रूल कर रहा था, और अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी आती वो रूल करती तो राजा को हटना पड़ता. तो इन्होंने क्या किया, एक इलीगल वे में एक पार्टी बनाई.
रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, इसको रशियन सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी भी बोलते हैं। हाउएवर बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसिंग इट हैड टू ऑपरेट एज एन इलीगल ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि गवर्नमेंट के ऐसी पॉलिसीज थी तभी इनको इलीगल वे में ये पार्टी बनानी पड़ी, और एक पार्टी नहीं बहुत सारी पार्टीज बनी थी। इट वॉज सेट अप अ न्यूज़पेपर एंड मोबिलाइज वर्कर एंड ऑर्गेनाइज स्ट्राइक। ये जो पार्टी बनी तो ये कैसी पार्टी थी, मोबिलाइज्ड वर्कर्स की पार्टी। ये लोग एक जगह से दूसरे जगह मूव करते थे, इधर से उधर जाते थे और प्रोटेस्ट करते थे, आंदोलन करते थे, स्ट्राइक वगैरह करते थे। सम रशियन सोशलिस्ट फेल्ट दैट रशियन पीजेंट कस्टम ऑफ डिवाइडिंग लैंड पेरियोडिकली एंड मेड देम नेचुरल सोशलिस्ट। सम रशियन सोशलिस्ट, कुछ कुछ जो रशिया के सोशलिस्ट को फॉलो करने वाले लोग थे, कुछ जो ग्रुप था, वो ऐसा बोलता था कि जो रशियन पीजेंट्स हैं, ठीक है, वो नेचुरल सोशलिस्ट हैं। नेचुरल सोशलिस्ट क्यों? क्योंकि उनके उनके खून में ही ऐसा था कि लैंड जो है वो सब मिलाकर साथ काम करे। इधर ऊपर अपन ने देखा ना कि रिसोर्सेस पूल करके वो काम करते थे, तो कुछ रशियन सोशलिस्ट ने बोला कि जो रशिया के पीजेंट्स हैं वो नेचुरल सोशलिस्ट। नेचुरल सोशलिस्ट मतलब उनमें शुरुआत से ही भावना है लोगों को हेल्प करने की। सो पीजेंट्स नॉट वर्कर्स, सो पीजेंट्स, देखो लिखा है पीजेंट्स नॉट वर्कर्स वुड बी द मेन फोर्स ऑफ द रिवॉल्यूशन। इनका ऐसा मानना था रशियन सोशलिस्ट का कि जो पीजेंट्स हैं, ठीक है, वो जो हैं वो रिवॉल्यूशन के लिए ज़रूरी हैं। क्यों? क्योंकि वो एक टाइप से नेचुरल सोशलिस्ट हैं, तो रिवॉल्यूशन में वो कई ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। ठीक है, नॉट वर्कर्स would be the force of the revolution in Russia could become socialist more quickly than other countries. Socialists were active in countryside. Countryside में active थे, मतलब गाँव वगैरह में। क्यों? क्योंकि वहाँ पर उनकी ग्रिप अच्छी थी। Through the late 19th century, they formed a socialist revolutionary party in 1900. देखो ऊपर social democratic workers party बनी, ठीक है, यहाँ पर social revolutionary party बनी 1900 में। This party struggled for peasants. This party struggled for peasants' rights and demanded that land belonging to nobles to be transferred to peasants. देखो इसमें ये जो पार्टी थी सोशलिस्ट SRP, सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी, ठीक है, इसका क्या मानना था, ये पीजेंट्स के लिए लड़ रही थी, और इनका क्या मानना था कि जो नोबल्स की लैंड है वो पीजेंट्स को ट्रांसफ़र कर दी जाए, मतलब जो रिच क्लास की लैंड है वो पीजेंट्स को ट्रांसफ़र कर दी जाए, क्योंकि रिच क्लास क्या करता है, एक्सप्लॉइट करता है लेबर्स को या पीजेंट्स को। सोशल डेमोक्रेट्स डिसएग्रीड विद सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी अबाउट पीजेंट्स। देखो सोशल डेमोक्रेट्स ये कौन है, ये लेनिन की पार्टी है। लेनिन कौन था? व्लादिमिर लेनिन करके एक रिवॉल्यूशनरी था, ठीक है, जो इनमें से ही था, रशिया के लोगों में से ही था, पर एक रिवॉल्यूशनरी था जिसने लीड किया था, जिसका एक मेजर रोल सामने आया था। व्लादिमिर लेनिन फेल्ट दैट पीजेंट्स वर नॉट वन यूनाइटेड ग्रुप, सम वर पुअर एंड अदर रिच, सम वर्कड एज लेबर वाइल अदर्स वर कैपिटलिस्ट हु एम्प्लॉयड वर्कर्स। व्लादिमिर लेनिन का मानना था कि जो वर्कर्स हैं ना, ये जो पीजेंट्स हैं, इन ये यूनाइटेड ग्रुप इनका हम नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि कुछ रिच पीजेंट्स हैं, कुछ पुअर हैं, ठीक है, कुछ लोग जो हैं लेबर बनकर दूसरे के यहाँ काम करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं दूसरों को रोजगार देते हैं, मतलब दूसरे लोगों को अपने का अंडर रखते हैं, तो सब लोग अलग अलग टाइप के हैं, इनकी यूनिटी नहीं बन सकती, ऐसा सोशल डेमोक्रेट्स का मानना था। गिवन दिस डिफ्रेंसिएशन विद इन देम दे कुड नॉट ऑल पार्ट ऑफ अ सोशलिस्ट मूवमेंट। ये इस डिफ्रेंसिएशन की वजह से ये लोग सोशलिस्ट मूवमेंट का काम पार्ट नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि इनमें बहुत डिफरेंस है। अगर किसानों की बात करें तो कुछ अमीर हैं, कुछ गरीब हैं। वर्कर्स की बात करें, उसमें भी पुअर और रिच, कुछ वर्कर्स जो पुअर हैं वो दूसरों के अंडर में काम कर रहे हैं, जो रिच हैं वो दूसरे लोगों को अपने अंडर में काम करवा रहे हैं। सेम विथ फार्मर्स। The party was divided over the strategy of organization. देखो अब जो पार्टी है ना वो डिवाइड हो गई। क्या? ये जो सोशलिस्ट पार्टी थी, ठीक है, ये लोग ऐसा जैसे सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी बनी, और एक फिर इधर पे सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी बनी, ये सब मिलकर ना उसके बाद फाइनली क्या हुआ, दो पार्ट में डिवाइड हो गया। एक बोल्शेविक ग्रुप बना, एक मेंशेविक ग्रुप, ठीक है, एक बोल्शेविक और एक मेंशेविक। अब बोल्शेविक को कौन लीड कर रहा था? व्लादिमिर लेनिन। Thought that in a repressive society like Tsarist Russia, the party should be disciplined and should control the number and quality of members. देखो जो बोल्शेविक था ना, उसका ऐसा मानना था जैसे ये जो सार है, सार निकोलस, ठीक है, ऐसे लोगों के लिए हमारी जो पार्टी है डिसिप्लिन रहनी चाहिए, और उसमें क्वालिटी नंबर ऑफ मेंबर्स रहने चाहिए। सबको भीड़ भड़क के को ना घुसेड़ दें, जितना हो सके क्वालिटी मेंबर्स घुसेड़ें कम से कम, और अच्छे से अच्छे लोग। और जो बोल्शेविक पार्टी थी थोड़ी एंग्री पार्टी थी, मतलब ईंट का जवाब पत्थर से देने वाली, ठीक है, तो ऐसी पार्टी थी जो क्या होता था कि एंगर वे में
सॉरी सॉरी, मैंने आपको गलत बता दिया। सोशल डेमोक्रेट्स जो थे, हाँ, ये व्लादिमिर लेनिन की पार्टी थी, लेकिन ये नॉन वायलेंस पे बिलीव करती थी। नॉन वायलेंस पे मतलब बिना किसी हत्या मार काट के हमको अपना हक चाहिए, ठीक है। तो जो बाद में ग्रुप डिवाइड हो गया था वो बोल्शेविक और मेंशेविक दो में हो गया था। बोल्शेविक कौन लीड कर रहा था? व्लादिमिर लेनिन, ठीक है। और उसका ऐसा मानना था कि जो हमारा ग्रुप है उसमें क्वालिटी मेंबर्स रहने चाहिए। और जो मेंशेविक को कौन लीड कर रहा था? मेंशेविक को एक दूसरा पर्सन लीड कर रहा था, इसमें उसका शायद नाम नहीं दिया है। जो ये अदर पार्टी थी इसका लीडर का नाम था जूलियस मार्टोव, JULIUSMARTOV, ठीक है। आपकी बुक में मेंशन नहीं है, लिखना है तो लिख सकते हैं। तो दो पार्ट में डिवाइड हो गई थी, एक बोल्शेविक और एक मेंशेविक। आगे पूरा डिस्कशन बोल्शेविक पार्टी का ही है, मेंशेविक का डिस्कशन है ही नहीं, तो मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ से आपको ये समझ में आया ना कि पार्टीज़ बनी, कुछ पार्टीज़ बनना इलीगल थी। फिर जो ये पार्टीज़ वगैरह बनी, ये लेबर के हक के लिए बात करती थी। बोल्शेविक का कहना था कि जो लेबर और वर्कर हैं ये लोग यूनाइटेड नहीं हो सकते, क्योंकि ये लोग अलग अलग डिवाइडेड हैं रिचनेस और पुअर के बेसिस पे, ठीक है। तो पार्टी फिर एट दी एंड दो ग्रुप डिवाइड हुए, एक बोल्शेविक और एक मेंशेविक। तो बोल्शेविक कैसा था? नॉन वायलेंस पे बिलीव करने वाले। इसका लीडर कौन था? व्लादिमिर लेनिन। अब यहाँ से हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।